कैसे हैं आप लोग? Keep it real. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फिर बात कर लेते हैं सोल मॉर्टल की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि PMPL अभी जल्दी में ख़त्म हुआ है और PMIS भी शुरू होने वाला है। उसके राउंड वन के मैचेस कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज इंस्टाग्राम स्टोरी पर मॉर्टल ने एक पोस्ट करते हुए सभी को बताया कि उनकी जो टीम सोल है वो इस बार PMIS में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और इसका उन्होंने रीज़न भी उसमें बताया। उन्होंने बताया कि उनका जो परफॉर्मेंस था PMPL में वो ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा था। इसके रिगार्डिंग वो अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और जो आने वाले टूर्नामेंट हैं उसमें सोल का परफॉर्मेंस कैसे और अच्छा इम्प्रूव हो सके इसके बारे में सोचेंगे। तो फिर इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे जरूर बताइएगा। गाइस कि हम लोग PMIS नहीं खेलने वाले, इट वाज अ टीम डिसीजन बिकॉज सांगवान ने एलिमेंट जो टीम है उसके साथ ऑलरेडी PMIS में रजिस्टर कर दिया था एंड वो वहाँ से क्वालिफाई हो गया है, तो इज गोना कंटिन्यू ओवर देयर। एंड एक और चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस, टूर्नामेंट में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं एंड दिस वॉज लिटरली ये 6 months जो था हम लोग के लिए बहुत भारी पड़ा था, मतलब ऑब्वियसली द रिजल्ट एंड एवरीथिंग। मी टू बी ऑनेस्ट एज अ लीडर बहुत सारे मिस्टेक्स किए मैंने, बहुत सारे मिस्टेक्स, एंड मैं उन चीज़ों से सीखा है अब मैंने भी, तो मतलब बहुत प्रोडक्टिव मिस्टेक्स थे एक तरीके से, कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटिंग थी बट दे ऑल टर्नड आउट टू बी बैड। नॉट प्लेयर चेंज, मैं प्लेयर चेंज की बात नहीं कर रहा, बट मैनी थिंग्स उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम गेम, बहुत सारी चीज़ें। सो इस बात को मैं लेके ये कहना चाहता कि गाइस PMIS खेलूंगा तो हम सुधरने नहीं वाले एंड एक वीक में कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग का फोकस यू नो अलग डायरेक्शन में है। वी आर गोना प्ले स्क्रिम्स एवरी डे स्टार्टिंग टुमारो, इनफैक्ट टुडे 17 तारीख हो चुकी है और मे बी मैं मेंबर्स ओनली स्ट्रीम भी कर लूँगा उस चीज़ का, मे बी, अभी तक श्योर नहीं है। एंड आई विल बी द IGL हियर ऑन, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की। मतलब और क्या बोलूँ, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, अब तक आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। और राइट नाउ कोई एडिशनल प्लेयर नहीं आने वाला है फिलहाल के लिए, क्योंकि इंटरनल सिनर्जी के बारे में आपको पता नहीं होता है यूजुअली कैसा बिल्ड होता है वो चीज़, एंड इतने टाइम में सच बोलूँ तो हम लोग यू नो हम लोग गिरे और हम लोग उठे साथ में, तो यार ये चीज़ जो है बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए। एंड द विल टू कंटिन्यू फॉरवर्ड, द विल टू ग्राइंड, प्रैक्टिस एक्सेट्रा जो भी है, एंड ये टीम डिसीजन था दैट वी आर नॉट गोना बी कंटिन्यूइंग बिकॉज वी वांट टू कंटिन्यूइंग एज इन PMIS नहीं खेलेंगे बिकॉज हम लोग चाहते थे कि प्रैक्टिस करें उस चीज़ को। ऑब्वियसली वी हैव आवर एनालिस्ट जो है एक बंदा सागर नाम का, आप सोल सागर बुला सकते हो उसको, तो जिन्होंने भी अब तक सपोर्ट किया है थैंक यू सो मच गाइज। बहुत कुछ आने वाला है चेंजेस, बहुत कुछ एज अ पर्सन, एज अ पर्सन नहीं एज अ स्ट्रीमर भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, सब साथ में करना चाहता हूँ बिकॉज ऑब्वियस है कि मैंने अब तक अपना 100% पोटेंशियल ना स्ट्रीमिंग में दे पाया हूँ ना मैं कॉम्पिटिटिव में, बिकॉज ऑब्वियस है कि दोनों चीज़ को बैलेंस आउट करना पड़ता है मुझे। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि कल से सुबह मॉर्निंग में 10 AM से मैं किसी गेम्स भी स्ट्रीम करूँगा एंड आफ्टर दैट द स्क्रिम्स, एंड रात में आके मैं पबजी मोबाइल का स्ट्रीम करूँगा। एज ऑफ नाउ यस कोई एडिशनल प्लेयर नहीं आने वाला है, हम 4 या 5 जो भी हैं हम लोग स्टिक रहने वाले हैं साथ में। मैं रहेगा वाइपर सांगवान एंड अमन, सांगवान विल बी बैक आफ्टर PMIS, वो PMIS खेल के वापस आ जाएगा हमारे पास, वो भी स्क्रिम्स खेलेगा हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि स्क्रिम्स नहीं खेलेगा बीच बीच में। अमन का आई फील कि उसका गेम स्टाइल टू बी ऑनेस्ट बहुत अलग है हम लोग के प्ले स्टाइल से, एंड मतलब वो लिटरली थोड़ा सा यू नो जैसे थोड़ा बहक जाता है टाइप हो जाता है कि यू नो एग्रेशन है, अच्छा एग्रेशन है, बट अगर उसको हमारे जैसे अगर उसको उसके जैसे 3 प्लेयर मिल जाए तो भाई उसकी टीम लाजवाब हो सकती है, लेकिन फिलहाल वैसा नहीं है। वी आर हैविंग अ डिफरेंट अप्रोच, हम लोग वैसा नहीं खेल पा रहे हैं, तो हम लोग भी ऑब्वियसली हम लोग का भी एक प्ले स्टाइल होगा वो आप लोग को देखने मिलेगा स्टार्टिंग टुमारो। मैं IGLing स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक अडैप्टिव गेम प्ले खेलूँ मैं। एंड अमन राइट नाउ उसने हमें इन्फॉर्म किया था कि ही विल बी ट्राइंग आउट क्या बोलते हैं he will be trying out with other teams for competitive, and मैं ये decision को बहुत respect करता हूँ because मैं नहीं चाहता कि उसका हाथ गर्म हो जाए, हाथ ठंडा हो जाए competitions को लेके, and irrespective of that वो हमेशा SATL and हमेशा सोल का part रहने वाला है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है उसका कि वो हमारे साथ competitive में खेल रहा है कि नहीं। भाई अमन लौंडा स्टार्टिंग से हमारे साथ,
गया, वापस आया, यहाँ रहा, नीचे गिरा, उठा, बट राइट नाउ वी थिंक कि अमन ने ये इन्फॉर्म किया था कि दैट ही विल बी ट्राइंग आउट इन सम अदर टीम एंड वी विल सी इफ वहाँ जमता है कि नहीं. और यही बात है. ठीक है, वो डिफरेंट लाइनअप के साथ अभी ट्राई कर रहा है, उसने ये चीज़ इन्फॉर्म की थी, बट आई हैव स्टेड हियर. बट या बहुत सही है उसका डिसीजन, ही हैज़ टू ट्राई, ही हैज़ टू बी, उसका विलिंगनेस है वो खेलने के लिए एंड आई रिस्पेक्ट दैट. और देखते हैं कि आगे क्या होता है. सांगवान तो वापस आ जाएगा एंड V4 विल बी कंटिन्यूइंग. PMIS ऑब्वियसली मैं इसलिए नहीं खेलना चाहता हूँ बिकॉज मैं IGLing ले रहा हूँ एंड इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होने वाला है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट टिल नाउ. और राइट नाउ V4 विल कंटिन्यू, अभी कुछ नहीं रहने वाला है भाई. Who4? जय कुमार, इट्स गोना बी मी, सांगवान, रेगल्टॉस एंड वाइपर एंड वी आर गोना ग्राइंड. और IGLing मैं करने वाला हूँ. सपोर्ट कोच नो, इट्स गोना बी द एनालिस्ट राइट नाउ, ओनली द एनालिस्ट. फॉर्मिस टेम्परेरी क्लासेस परमानेंट. IGL मीन्स इन गेम लीडर. एनालिस्ट है सागर, कोच नहीं, कोच अभी फिलहाल नहीं, एनालिस्ट ओनली. वी हैव द एनालिस्ट, वी नीड एन एनालिस्ट, दैट्स इट. रोटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, वो एनालिस्ट हम लोग को समझा देगा अच्छे से. यू कैन कॉल हिम अ 50% कोच, ऐसा नहीं है कि नहीं समझा पाएगा वो. बस बात कर लेते हैं एलविस यादव के. जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एलविस यादव का एक नया रोस्टिंग वीडियो आने वाला है जिसमें वो रोस्ट करेंगे कुणाल कामरा को, तो मैं आपको बता देता हूँ उनका नया वीडियो आ चुका है उनके नए चैनल जिसका नाम है एलविस यादव व्लॉग. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. बात कर लेते हैं कैरी मराठी के नए वीडियो यालगार के बारे में. फिर जैसा कि आप लोगों को पता है कि यालगार ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, वो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था. मैं आपको अभी का अपडेट दे देता हूँ कि इंस्टाग्राम यालगार पर 100 मिलियन व्यू हो चुके हैं, केवल यूट्यूब की बात मैं कर रहा हूँ, केवल यूट्यूब की. फिर जिसमें से 10 मिलियन लाइक हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए.